तो वहीं बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज बैठक दिल्ली में होनी संभावित है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए बैठक तय होगी। पीएम मोदी की व्यवस्था के चलते 8 मार्च से ये बैठक चल रही है। हरियाणा की सीटों पर तैयार पैनल पर मुहर लगेगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनल मुहर लगाएगा। पीएम मोदी की व्यवस्था के चलते 8 मार्च से ये बैठक चल रही है। आपको बता दें, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आज होना संभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए इस बैठक का समय जो है वो तय किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए बैठक तय होगी। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक संभावित है आज। पीएम मोदी की व्यवस्था के चलते 8 मार्च से ये बैठक चल रही है। वहीं दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बाकी बचे उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होना संभावित है। बैठक में हरियाणा की टिकटों पर भी चर्चा होगी। हरियाणा के बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। आज बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जो काफी अहम मानी जा रही है। और इस बैठक में हरियाणा के बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर भी मुहर लगेगी। जो बाकी उम्मीदवार बचे हुए हैं उनके नाम पर मुहर लगना आज संभावित है। शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होना संभावित है। बाकी बचे उम्मीदवारों को लेकर इसमें चर्चा होगी। बैठक में हरियाणा की टिकटों पर भी चर्चा की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम यह बैठक मानी जा रही है। बीजेपी का आज मंथन होने वाला है। आपको बता दें कि आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जो काफी अहम मानी जा रही है। शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बाकी बचे जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर चर्चा होगी। पार्टी उनको लेकर चर्चा कर सकती है आज इस बैठक में। शाम 6 बजे दिल्ली में ये बैठक होगी, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और हरियाणा की दृष्टि से देखा जाए तो हरियाणा की जो टिकट्स हैं उन पर भी चर्चा हो सकती है। जो उम्मीदवार हैं उनके नाम पर मुहर लग सकती है।